यमुना घाटी के गनानी में आज 3 दिवसीय बसंत मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले का विधिवत उद्घाटन स्थानीय इष्ट देव बाबा भोकनाथ देव के द्वारा की गई। बाबा भोकनाथ देवता के सन्निध में पूर्व राज्य मंत्री नारायण सिंह राणा व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा के द्वारा रिबिन काट कर की गई। बसंत मेला, जिसे स्थानीय भाषा में कुंड की यात्रा भी कहा जाता है, हर साल इसे मनाया जाता है और इस बार भी भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यमुना घाटी के प्रसिद्ध गंगनानी स्थल, जहां प्रयागराज से पहले ही गंगा यमुना नदी का संगम देखने को मिलता है, धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर यहां पर विशेष आयोजन होता है। क्या रहता है इसमें? निश्चित तौर पर पहले तो मैं गृह मंत्री जी का आदरणीय राजनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने यहां पर समय दिया था। मौसम के खराब होने के कारण से यहां से क्लियरेंस नहीं गई, वो अलग बात है, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने समधी और मेरे भी समधी हैं आदरणीय नारायण सिंह राणा जी को यहाँ पर भेजा है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और 3 दिन तक इसमें जहाँ पर एक और सांस्कृतिक और हमारे यहाँ के जो लोकल संस्कृति है उसका कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वहाँ उसी दूसरी तरफ खेल कूद के जैसे आदरणीय राणा जी भी यहाँ पर कह रहे थे, चाहे वो यहाँ पर खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है और ग्रामीण स्तर की रस्साकसी का हमने कार्यक्रम रखा है। वहीं से बाहर से जो इस समय पिछले बरस सिर्फ पुरुष दंगल हमने यहाँ पर किया था, इस समय महिला दंगल का भी आयोजन किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस मेले को मैं चाह रही हूँ कि यह बहुत बड़े स्तर पर बने, जिस प्रकार से उत्तरकाशी का मेला होता है, माघ मेला होता है, उसी तर्ज पर यह आगे आने वाले समय में इसमें समय भी बढ़ाया जाएगा और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी यहाँ पर की जाएगी ताकि हमारी जो लोकल संस्कृति है उसको बचाया जा सके। काफ़ी कुछ ठीक कर दिया है और इस मेले को एक व्यापक रूप के तौर पर, और ये परम्परा हमारी इस क्षेत्र की, ये ट्राइबल जो कल्चर है हमारा यमुना घाटी का, इस परंपरा को अगर हम विरासत के रूप में नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इस पीढ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको इसकी विरासत में युवा पीढ़ी को देना है, क्योंकि युवा पीढ़ी टोटली, जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर पढ़ रहे हैं और उनका क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव भी नहीं है, लेकिन इन मेलों के माध्यम से हम उनको जोड़ सकते हैं और दुनिया में ये विशिष्ट स्थान होता है इन ट्राइबल मेलों का पूरी दुनिया में। और मैं बधाई देता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए, आदरणीय सकल चंद जी जो हैं पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे, उनका भी बड़ा रोल है, उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी। और इस मेले को हम चाहते हैं कि और बड़ा रूप दिया जाए संस्कृति के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, क्योंकि आजकल सिर्फ संस्कृति को लेकर के हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस घाटी में, लेकिन हम चाहते हैं कि खेलों की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान होना चाहिए। खेल के माध्यम से अभी बच्चों को रोज़गार मिलेगा और एक नाम भी होगा। अभी हम देख रहे हैं आपकी हमारी पूरी पीढ़ी, जसपाल है, सुभाष है, सुषमा मेरी बेटी और जसपाल की बेटी तीसरी पीढ़ी जो है वो भी देश का नाम 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है। तो इस तरफ भी हमको ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को खेल के खेल करवा ही रहें, लेकिन थोड़ा बड़े रूप में कराएं, इसको हम कि यहाँ पे हमारे जो फेडरेशन है, खेल के फेडरेशन है, वो यहाँ पे आएं और यहाँ से बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको नेशनल लेवल तक ले जाएं। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ जसोदा जी को और हमारी